ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नया ब्लॉग है और नया कंटेंट है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप लोगों को इतनी यूनिक मशीन दिखाने वाला हूं जो आज तक आप लोगों ने देखी नहीं होगी। मेरे को तो लग रहा है, मतलब जो फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो का जो बाइक आपके सामने आने वाली है उसका मैं फर्स्ट टाइम आज रिव्यू करने वाला हूँ, आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। तो ये जो मशीन जो आज हमको मिलने वाली है ना, ये हबीब भाई के शॉप में मिलने वाली है। जो हबीब भाई आप लोगों को जानते हो, मेरे इंस्टा पर अपने स्टोरीज में देखेंगे, हमने साथ में राइड्स किए बहुत सारे, और फाइनली अभी उन्होंने एक अपना शॉप भी डाल दिया है सुपर बाइक्स का। जो एंट्री लेवल से लेकर लीटर क्लास तक सब बाइक आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो आज मैं उनके साथ ही एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ और आपको एक एकदम यूनिक मशीन दिखाता हूँ और आप लोगों को हबीब भाई से भी मिलाऊँ। तो चलो अंदर शॉप में एंट्री करते हैं। जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हबीब भाई आपको नया शॉप के लिए। बताओ हबीब भाई, अपने शॉप के बारे में कुछ बताओ, आप क्या क्या, मतलब आप शॉप में दिखाओगे अपने, क्या क्या कलेक्शन है आपके पास शॉप में? ऐसा है कि हमने स्टार्ट किया एक ड्रीम से लेके छोटे से लेके बड़े तक के लिए, जो भी है आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल ज़्यादा कलेक्शन अभी है नहीं, तो आप देख सकते हो 500 cc से लेके 1400 cc तक है, और इससे ज़्यादा भी ऑन अवेलेबल शॉप है। अभी एक बेसिक लेवल के लिए थंडरबर्ड एक्स 500 cc अवेलेबल है, 1400 cc है, एक अलग चीज़ है क्रूजर का। फिर आप आओगे तो ये हाल की फैमिली का बेसिक इंस्टिंक्ट है 750 स्ट्रीट। मतलब ये एंट्री लेवल के हिसाब के पास आपके पास इतने सब बाइक्स हैं सब अभी? जी एंट्री लेवल में देखे जाओगे तो 750 स्ट्रीट जो है ये एक हाली का बेसिक इंस्टिंक्ट है, बोलते ना वेलकम द फैमिली, बोलते ना स्टार्ट, जी जी, तो वहाँ से होता है। इसमें आप जैसे जाओगे आपको फैट बॉय तक के या उसके ऊपर तक जाओगे काफ़ी कलेक्शन मिलेगा, ऑन डिमांड आपको अरेंज कर सकते हैं गाड़ी जाएगा। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो भी डिमांड होगी ना, मैं भाई का इंस्टा हैंडल और शॉप का जो है ना आपको कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सब दे दूंगा। कोई भी क्वेरी होगी ना आपको बाइक, कोई भी बाइक से रिलेटेड, आप सीधा हबीब भाई को जो मैसेज करेगा वो आपको रिप्लाई देंगे, और जो भी आपकी डिमांड होगी कोई भी सुपर बाइक से रिलेटेड, आपको इधर सब बाइक्स अवेलेबल होंगे। तो उसके बारे में आप एकदम बिनफिक्र रहो, बिंदास कॉन्टैक्ट करो, आपको यहाँ से सब बाइक आपको मिलेगी। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था, एक यूनिक मशीन आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वो मशीन है जो आप लोगों ने अभी तक तो देखी नहीं होगी, फर्स्ट टाइम ही आ रही होगी अपने चैनल पर। तो अभी हम लोग ये यूनिक मशीन का एक राइड रिव्यू करने वाले, मतलब क्या है ये मशीन, कैसी मशीन है, आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। तो पहले तो एक नॉर्मल सा लुक ले लो बाइक का। तो गाइस जैसे मैंने अभी बाइक बताया आपको, ये तो अभी बस एक छोटा सा रिव्यू था, अभी आपको प्रॉपर रिव्यू मैं दूंगा, राइड रिव्यू दूंगा, पूरा सिनेमैटिक आप लोगों को दूंगा। तो ब्लॉग में बने रहो, और आप चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही सुपर बाइक और राइड से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलो अभी पहले तो सिनेमैटिक एंजॉय करना, ये बाइक का जो है ना आपको एक मस्त सिनेमैटिक बना के देता, सिनेमैटिक एंजॉय करना, उसके बाद ब्लॉग पूरा एंजॉय करना। चलो I just wanna feel so free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you won't see that I will get it, 'cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space. Yeah, making rush every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first, we go and you go. ऑल राइट, सो फाइनली हम लोग हमारे जो है व्लॉगिंग के सेटअप से निकल के मोटर व्लॉगिंग के सेटअप में आ गए, और फाइनली अभी बीस का हम एक राइड रिव्यू करने वाले। भाई साहब क्या गाड़ी दिख रही है यार, मतलब देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, और सबसे इसका बोलते ना मेन फीचर इसका इंजन, इसका पैरेलल इंजन है, दोनों साइड से देखो कितना बल्की लग रही है गाड़ी, और ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ आती है, फुल प्रॉपर क्रूजिंग फील। और आप लोगों को इसका टेल सेक्शन भी आपने देख लिया होगा सिनेमैटिक में, अगर मैं फिर से आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। और एक और यूनिक फीचर ये देखो, ये जो है ना एडजस्टेबल शॉक ऑब्जर्वर, ये मशीन मैंने पहली बार किसी बाइक में देखी लगी हुई, बहुत यूनिक है यार, मतलब बोलते ना वर्थ। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अभी फटाफट बाइक का रिव्यू करते हैं, क्योंकि ऐसी मशीन चलाने का जो फील होता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है। पहले इसका हमने ले लिया स्टैंड ऊपर की ऑन, और आपको एक मस्त जोक देखिए, इधर देखिए
पूरा गाड़ी हला देती है स्टार्ट करने के टाइम, क्या पावर है देखो ना। फुल यार, फुल लग रहा है कि हाँ भाई हेवी मशीन चला रहा हो कोई आज। तो चलो इसी गुड नोट के साथ बाइक को स्टार्ट कर लिया है, निकल रहे हैं अभी हम। ओहो, फुल यार, क्या हेवी बाइक है यार ये। और इसका मीटर तो देखो, सिंपल एंड एकदम स्वीट, और एकदम अच्छे से सब उसके मतलब डिटेल्स हमें मिल रही है भाई साहब। पावर क्रूजिंग बाइक में जो पावर होती है ना, नेक्स्ट लेवल पावर होती है। लग रहा भी नहीं इतनी हेवी मशीन में इतना आराम से चला रहा हूँ भाई साहब, मज़ा आ गई। मतलब यार ये जो मशीन में पावर जो है ना, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। इसके एक एक फीचर मैं आपको बताऊंगा ना, आप लोग भी शॉक हो जाओगे। तो पूरे रिव्यू में हम यही बात करने वाले हैं ऐसे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके एक एक की फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो इसके इंजन के बारे में, आप लोग गेस कर सकते हो कितने सीसी की इंजन हो सकता है इसमें। अगर गेस कर रहे हो तो मेरे को कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से कितने सीसी का इंजन हो सकता है इस बाइक का। मगर जो लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दो, ये बाइक जो है 1400 सीसी की बाइक है। मतलब सोच सकते हो तुम लोग, 1400 सीसी की क्रूजिंग बाइक, मतलब एकदम बोलते ना टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जो बाइक है ना 1380 सीसी की है। बट पावर भाई, नेक्स्ट लेवल पावर है इसमें। ऑलमोस्ट 96 मतलब BHP की पावर आती है इसके साथ, जो 6500 RPM पे जो हमें पावर मिलती है। और ये देखो पावर, देखा भाई क्रूजिंग बाइक है, इसका ये मतलब पावर नहीं है, कमाल की पावर है इसमें। नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल पावर है एकदम। और इसका इंजन जैसे आपने देखा कि दोनों साइड से है, इसका जो इंजन है वो लॉन्गिट्यूडनल वी ट्विन पैरेलल इंजन है जो 4 स्ट्रोक के साथ आता है। मतलब समझ सकते हो भाई क्या पावर रहेगी इसमें यार, नेक्स्ट लेवल पावर है। मतलब बोलते ना पहली बार कोई क्रूजिंग बाइक जो है ना मुझे इतनी पसंद आई है। और अभी बात करते हैं इसके सेकंड की फीचर की, तो इसका टैंक, इतना जो ह्यूज टैंक है ना इसका, ये टैंक जो है। सेकंड की फीचर के बारे में बात करते हैं तो इसका सेकंड फीचर है इसका ह्यूज टैंक, इतना बड़ा टैंक है ना इसका, आप इसके ऊपर आराम से बहुत लंबा क्रूज कर सकते हो। आपको बता देता हूँ 20.5 लीटर का इसका टैंक है, मतलब सोच रहे हो 20 लीटर तक कोई टेंशन नहीं फ्यूल का। और भी बहुत सारे फीचर्स है यार इसमें, बहुत सारे फीचर्स है, मगर बाइक जो मज़ा दे रही है ना बाइक चलने में भाई, नेक्स्ट लेवल मज़ा दे रही है ये। और जो हेवी फील आ रहा है ना यार ये बाइक के साथ, सबसे पहले तो क्रूजिंग वालों का जो फायरिंग होता है ना, मतलब एग्जॉस्ट नोट जो होता है ना फुल प्रॉपर क्रूजिंग वाला, वो बहुत सही लग रहा है। आप लोगों को अंदर इसमें सुनने आ रहा होगा कि नहीं हेलमेट में पता नहीं है, मगर देख सकते हो। और जब मैं एग्जॉस्ट ऐसे दे रहा हूँ ना तो बाइक ऐसे ट्वीट हो रही है, देखो देखा, ये होता है जब आपका इंजन पैरेलल होता है और लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसके लिए बाइक ऐसे शेक होती है पूरा पावर के साथ। और एक बात, इसका जो टेल लाइट सेक्शन है वो इतना कमाल का है ना टेल लाइट इसका, आप गेस नहीं कर सकते। मैं आपको बाइक रुका के जो ना एक बार इसका 360 दे देता हूँ और उसका टेल लाइट भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। ओहो हो हो, इतनी बड़ी मशीन को जो रुकाने ना ईजी बात नहीं होती जी। देखा इसका हम लोग ने लगा दिया अभी स्टैंड, और देख लो ये बात मैं दिखा रहा था, पूरी बाइक शेक हो जाती है। ये इंजन देखो यार, क्या इंजन है बाइक का, लिटरली यार आप फील कर सकते हो पावर इसकी यहाँ से, कितना बड़ा मतलब बता ना पूरी बाइक ह्यूज है और इंजन तो भाई नेक्स्ट लेवल है। अभी आप लोग को इसका टेल सेक्शन दिखाना था मुझे, तो मैं आपको टेल एकदम दिखा देता हूँ। अच्छा ऑन नहीं हुआ है जी, तो ये देखिए इसका टेल सेक्शन, क्या प्यारी लाइट है यार। मतलब आपने पहले किसी भी बाइक में ये ऐसे ऐसी टेल लाइट नहीं देखी होगी। और टायर भाई नेक्स्ट लेवल है, डबल एग्जॉस्ट के साथ आती है, वाह। और ये सेक्शन तो कुछ अलग ही है यार, मतलब देखो डायमंड जैसा सेक्शन है ये पूरा न्यू यार। वैसे ये बाइक के बारे में और बताना चाहूँगा तो ये बाइक जो है क्रूज कंट्रोल के साथ आती है,
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, तीन ट्रैक्शन मोड आते हैं इसमें और आपके जो राइड मोडिंग इसमें आती है। तो पहले हम लोग एक बार जो है मेन हाईवे पर ले लेते हैं बाइक और आपको क्रूज कंट्रोल दिखाता हूँ उसका। अभी जैसे कि मैं बाइक चला रहा हूँ टूरिज्मो में, तो टूरिज्मो में ज़्यादा पावर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि क्रूज कंट्रोल करना होगा। वाह यार, जो मेरे को एक स्पोर्ट बाइक में फील आती है ना, सेम फील ये बाइक में आ रही है विद कंफर्ट। जो इतना कंफर्ट है ना बाइक का पोस्चर, ऑब्वियसली बात है क्रूजिंग बाइक है तो भाई कंफर्ट तो उसका होना ही है, तो कंफर्ट भी नेक्स्ट लेवल है बाइक का। और पावर की तो क्या ही बात करूँ यार, कमाल की ब्रेकिंग, मतलब पावर के साथ साथ अच्छी खासी ब्रेकिंग भी हमें दी गई है। बस है टर्न लेते वक्त थोड़ा डर लगता है क्योंकि इतना बड़ा हेवी मशीन को टर्न लेना भाई सिंपल सी बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात होती है। ओहो, मजा आ गई यार, पब्लिक अटेंशन देख रहे, बच्चे बच्चे बाइक देख रहे कि इतना ह्यूज बाइक कौन सा है ये, और बहुत से लोगों को ये तो पता भी नहीं होगा कौन सा बाइक है क्योंकि बहुत रेयर बाइक है ये, बहुत रेयर। तो अभी मैं आप लोगों को इसका क्रूज कंट्रोल दिखाता हूँ क्योंकि मैं तो हमेशा से चाहता था मेरे RR में भी क्रूज कंट्रोल दे दे, अगर RR में तो आने से रहा ये क्रूज कंट्रोल। कोई भी अगर TVS वालों कोई भी ये ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ RR में भी एक क्रूज कंट्रोल दे दो यार, बहुत नीडेड है हमें वो। तो जो मैंने क्रूज कंट्रोल आपको बताया फीचर होता क्या है, तो बेसिकली क्रूज कंट्रोल जो है ना, क्रूज कंट्रोल में आपकी बाइक जब ऐसा सीधा लेन मिलता है ना, आपको पता है कि भाई अभी स्ट्रेच है, इधर अपने को बस थोड़ा रिलैक्स करना है, बाइक को चलने देना है, तो क्रूज कंट्रोल पर आप बाइक डाल सकते हो। बाइक जो है एक पर्टिकुलर स्पीड पर जो चलती रहती है और बस आपको एंजॉय करना होता है, बट मैं ये पावर को एंजॉय करना चाहता हूँ यार। वाह यार, वाह, व्हाट अ पावर मैन, व्हाट अ पावर है, व्हाट अ पावर। आप लोगों ने इसका एग्जॉस्ट नोट ठीक से सुना नहीं होगा ना, मतलब भूल गया था एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाना, मगर कोई बात नहीं, आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। तो जो लोगों को नहीं पता, ये बाइक है मोटो गुजी कैलिफोर्निया, और ये सिंबल देखो यार, ईगल सिंबल। आप लोगों, मेरे को नहीं लगता कि इन लोगों ने ये बाइक देखी होगी पहले, अगर जो लोगों ने ये बाइक फर्स्ट टाइम चैनल पे देखी है ना, तो मेरे को कमेंट में बताना किन लोगों ने ये बाइक जो फर्स्ट टाइम देखी है। और आप लोगों को एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। वाह यार, और ये देखो जब आप एक्सीलरेटर दे रहे हो ना, पूरा इंजन देखो कैसा इधर शेक हो रहा है, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। मज़ा आ गया बाइक को चला के, थोड़ा और चलाते। मोड के बारे में आपको बताना चाहूँ, तो इसमें छेड़खानी नहीं करना, मुझे सही लग रहा है क्योंकि मुझे बाइक के बारे में, ये मोड्स के बारे में अभी तक इतना नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हम जो है कोई मोड चेंज नहीं करेंगे। जो हमारी बाइक टूरिज्मो पे चल रही थी, हम टूरिज्मो पे ही चलाएंगे। इसका स्पीडोमीटर एक बार देख लो यार, एकदम सिंपल, और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो पूरी प्रॉपर इस स्पीडोमीटर पे दिख रही है, तो एकदम प्रॉपर। मज़ा आ गया यार बाइक चला के। तो आई होप गाइस, आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया, कुछ नया बाइक आपको देखने के लिए मिला होगा। जो लोगों को ये बाइक फर्स्ट टाइम देखने मिला है ना, चैनल पे कमेंट जरूर करके जाना सर। और थोड़ा सा हम इसकी स्पीड का एक बार फिर से मजा लेते हुए, वाह वाह वाह। तो दैट्स इट गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। Till then, this is Shehbaz signing off.